what better film than Barbie to really make it? I think it's great that we can actually get such entries into the Oscars like this. It's very well deserved to be at the Oscars, and I hope and pray that it wins, and I'm pretty sure because it's a beautiful film. So I'm very happy that Barbie has also gone abroad. Well, yes, Barbie ab ban chuki hai India's official entry to Oscars 2013. Aur Barbie ko box office par mil rahe huge response ki khushi ke saath saath yahi hai another reason to be Barbie. हाँ, बहुत मोटे होने वाले हैं दुनिया के लोग इतना बर्फी खा खा के. तो भी ऑनेस्ट अच्छा लग रहा है क्या. आई थिंक सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि ऑडियंस ने फिल्म को पसंद किया है, बॉक्स ऑफिस में इतना कुछ कमा रही है फिल्म, क्रिटिक्स को पसंद आई, इतना प्यार जुड़ गया फिल्म के साथ. और इस खुशी के मौके पर बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स ने भी दी है बर्फी को ढेरों गुड विशेस. आई एम थ्रिल्ड टू बिट एंड आई थिंक व्हाट बेटर फिल्म देन बर्फी टू रियली मेक इट. आई हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से हाउ आई थॉट इट वाज रियली द मोस्ट स्पेक्टेकुलर फिल्म एक्सपीरियंस आई हैड एंड आई होप इट वॉक्स द रेड कार्पेट नेक्स्ट. इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी एंड you know, I think it's great that we can actually get such entries into the Oscars like this. It's very well deserved to be at the Oscars, and I hope and pray that it wins, and I'm pretty sure because it's a beautiful film. हालांकि जहां तक ऑस्कर में नॉमिनेशन मिलने की बात है तो रणबीर फिलहाल इस खुशी को लेकर हैं क्वाइट पेशेंट एंड रियलिस्टिक. बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था ये सिर्फ शुरुआत है. इसके आगे ऑस्कर कमेटी को बेस्ट फाइव में चुनना पड़ेगा फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में. आई थिंक जब तक वहाँ पहुँचे वी कांट रियली से कि ये सब हो गया है. ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस आर लॉट बिकॉज आई हैव लॉट इमेंस फेथ इन दिस फिल्म, रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. सो लॉट ऑफ होप एंड लॉट ऑफ फेथ. और वो आमिर से राय लेने की बात कर रहे हैं. एक्चुअली हमें बहुत कुछ एक्चुअली सीखना पड़ेगा आमिर सर से बिकॉज ही इज ऑलरेडी गॉन टू द ऑस्कर्स. तो आई गेस हम उनकी एडवाइस लेंगे अभी इसके आगे क्या कर सकते हैं. अभी तो शुरुआत है, अभी इंडियन कमेटी ने हम पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, बर्फी को चुना गया है टू रिप्रेजेंट इंडिया, अभी इसके आगे बहुत कुछ करना है. वैसे ऑस्कर की रेस में भले ही बर्फी को अभी कई सारे लेवल्स क्रॉस करने हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस की रेस में द फिल्म इज रनिंग वेरी स्मूथ. इस लो बजट फिल्म ने पिछले एक हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ की कमाई कर ली है. हमारे लिए यही हुई है कि फिल्म इतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस में चल रही है, जनता इतनी पसंद कर रही है फिल्म को. इट्स ऑलरेडी मेड समवेयर हाउ मच More than 62 crores in 8 days. और आज इस न्यूज के बाद शायद लोगों को और एक क्यूरियोसिटी ऑफ फिल्म के बारे में और यू नो लोग आए फिल्म को मौका दें. का दिल तो 100 करोड़ से भी ज्यादा की दुआ मांग रहा है. मेरी चाहत ये कि मैं 500 करोड़ तक जल्दी पहुंच जाऊं. 100 करोड़ तो अब सब लोगों ने तोड़ दिया है. वैसे रणबीर कपूर की एक ख्वाहिश जायज भी है, क्योंकि नाउ दैट बर्फी हैज बिकम इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स, एग्जीबिटर्स ने थिएटर्स में बर्फी के शोज भी बढ़ा दिए हैं और कुछ थिएटर चेन्स तो इस फिल्म को हीरोइन ओ माय गॉड और कमाल धमाल माला माल के अगेंस्ट ज्यादा शोज देने की प्लानिंग भी कर रहे हैं. यानी 100 करोड़ अब दूर नहीं. अच्छा लग रहा है. इट्स बीन अ ग्रेट मंथ. इट्स अ सुपर फीलिंग. इट्स अ रियली लवली फीलिंग एंड देयर कैन बी नो बेटर फीलिंग देन दैट. वेल, इंक्रीज नंबर ऑफ शोज, 500 करोड़ की चाहत और ऑस्कर में एंट्री, तो अब क्या नेशनल अवार्ड भी है बर्फी रणबीर का नेक्स्ट ग्रैब? अगर तू देना चाहेगा ले लूंगा. क्या कितना महत्व रखता है राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपके लिए? देखिए, मेरे लिए अवार्ड इतना महत्व नहीं रखता, अच्छा लगता है, एक पीठ पर एक थप्पी मिलती है कि वेल डन. लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा रिवॉर्ड और अवार्ड यही होता है कि ऑडियंस फिल्म को देखना है, ऑडियंस फिल्म को पसंद करे. सी बर्फी रणबीर एंड वी विश कि आपकी ऑस्कर्स को इंडिया लाने की चाहत फटाफट पूरी हो जाए.